आखिरकार रद्द होगी अफगान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। अब इस बात की पुष्टि अमेरिकन मीडिया और वहां के लोग भी कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिकी सेना कहर बरपाने जा रही है। पूरी खबर बेहद विस्तार से बताने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, काबुल नमाज में बम धमाके करके पाकिस्तान और तालिबान ने अपनी मौत को फिर से बुला लिया है। अब अमेरिका न केवल काबुल को बचाएगा बल्कि पूरे अफगानिस्तान को तालिबान पाकिस्तान के आतंक से भी बचाएगा। यह बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिक वापस बुलाने का मन बना लिया था। जिस प्रकार से तालिबान और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानी मासूमों पर आतंक मचाया है, उसे देखकर अब अमेरिका के अंदर ही जो बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोला जा चुका है। अमेरिका ने पहले ही अपने बम्बर को काबुल में तैनात कर दिया है। आने वाले समय में अमेरिका अफगानिस्तान को लगातार पैसे और हथियार भी मुहैया कराने जा रही है। तालिबान के बढ़ते हिंसा को देखकर अमेरिकी मीडिया का कलेजा पसीज गया। जिस प्रकार से भारतीय पत्रकार को गोली मार दी, उसके बाद उसके सर को ट्रक के चक्के से कुचल दिया, इस खबर को सुनकर पूरे भारत का खून खोल उठा है। दरअसल पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मदद करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। उन सबको अकेला छोड़कर अमेरिका भाग गया था और तालिबान के गुंडे उन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतर रहे थे। इसी कारण अमेरिकी मीडिया, संसद और लोगों में जो बाइडेन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा गया। अपने लोगों की गुस्सा को झेल रहे जो बाइडेन सैनिक वापसी के फैसले को रद्द कर सकते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के इतिहास में जो बाइडेन के नाम को कायरो के किताबों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। तालिबान और पाकिस्तान के गुंडागर्दी से निपटने के लिए आनन फनन में अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वही दूसरी तरफ अफगानी सेना प्रमुख भी भारत से मदद के लिए मोदी जी से मिलने आ रहे हैं। यह वीडियो बेहद धमाकेदार होने जा रहा है, जिसे देखकर भारत अफगानिस्तान समेत अमेरिकन नागरिक भी खुशी से झूम उठेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाए और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। अमेरिका में जो बाइडेन के खिलाफ भयंकर विरोध के बाद अब जो बाइडेन तालिबान के खिलाफ धीरे धीरे कुछ बड़े फैसले ले रहे हैं। जो अब तक पाकिस्तान प्रेम में धृतराष्ट्र बने हुए थे, अब अमेरिकी जनता उनकी आंखें खोल रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि 2 दशकों के युद्ध में अमेरिकी सेना की मदद करने वाले लगभग 2500 अफगानों को वीजा आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वर्जीनिया में एक सैन्य अड्डे में स्थानांतरित किया जाएगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते कहा था कि करीब 20,000 अफगानों ने विशेष अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन किया था और देश से बाहर के पत्र आवेदकों के लिए निकासी उड़ाने जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन उन अफगानों को निकालने के लिए सांसदों के दबाव का सामना कर रही है जिन्होंने अमेरिकी सेना की मदद की और तालिबान के प्रतिशोध की चपेट में है। इतना ही नहीं, अब सेना वापसी को रद्द करने के लिए भी जो बाइडेन पर दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह पता चल रही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, अमेरिकी सांसद और अमेरिकी लोग भी अफगानिस्तान से जल्दी जल्दी सेना वापसी करे जाने पर जो बाइडेन के फैसले को कायरतापूर्ण बता रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि जो बाइडेन सैन्य वापसी का फैसला रद्द भी कर दे। अमेरिका लगातार अलग अलग देशों से मदद मांग रहा है ताकि तालिबान के खिलाफ युद्ध में एकजुट रहा जा सके। ऐसे में भारत उसके लिए एक अहम साझेदार साबित हो सकता है। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। तालिबान से लेकर भारत चीन विवाद पर हो सकती है चर्चा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए अगले हफ्ते भारत आने की उम्मीद है। इस साल अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयज जे ऑस्टिन के भारत दौरे के बाद ब्लिंकन जो बाइडेन प्रशासन के दूसरे अधिकारी होंगे जो भारत के दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। दोनों पहले भी 3 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। लंदन में G7 की बैठक में एस जयशंकर की अमेरिकी यात्रा के दौरान और हाल ही में इटली में G20 विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट रहे हैं। तालिबान के प्रसार के चलते अफगानिस्तान में चल रही हिंसा पर दोनों नेताओं की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान में
स्थिरता के लिए जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी है। जानकार बताते हैं कि भारत ने गुपचुप तरीके से अफगानी भाइयों के लिए पूरी जान लगा दी है और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर पाकिस्तान और तालिबानियों को धूल चढ़ा दे। अमेरिकी सैन्य वापसी का फैसला रद्द किया जाए या नहीं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि फिलहाल भारत और अमेरिका चीन को घेरने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक तनाव के साथ साथ भारत चीन विवाद पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स दबा कर रही है कि यूएस फार्मा दिग्गजों से भारत को वैक्सीन सप्लाई पर भी चर्चा हो सकती है। अपने अमेरिका के दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटोनी ब्लिंकन के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर बातचीत की थी। दोस्तों, अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका खून खुल सकता है, जरा गौर से सुनिएगा। एक भारत माँ के सपूत को पाकिस्तानियों और तालिबानियों ने मिलकर बर्बरता पूर्वक मारा है। दनिश की मौत में जो भयंकर खुलासा हुआ है उसे सुनकर सारा भारत प्रतिशोध की आग में जल उठेगा। पुलित्जर अवार्ड विजेता फोटो जर्नलिस्ट दनिश सिद्दीकी की मौत की वजह अब तक अफगान सेना और तालिबानियों के हमले में गोली लगने को माना जा रहा था। उनके डेथ सर्टिफिकेट में भी गोलियां लगने को मौत का कारण बताया गया है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वे डरा देने वाली है। तालिबान के आतंकियों ने दनिश को सिर्फ गोली ही नहीं मारी थी बल्कि उनके सिर को गाड़ी से कुचल दिया गया था। दोस्तों, क्या हम ये सब बर्दाश्त कर ले? ये सब सुनने के बाद हर एक भारतीयों का खून खोल उठता है। आज हर एक भारतीय चीख चीख कर तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर हमले का डिमांड कर रहा है। क्या आप भी चाहते हैं कि भारत को पर्सनल लेवल पर तालिबान और पाकिस्तान पर हमले करना चाहिए? तो नीचे कमेंट में अपनी राय तुरंत दें। अफगानी सेना के कमांडर बिलाल अहमद ने एक न्यूज पोर्टल को डरावनी सच्चाई बताई है। उन्होंने बताया कि तालिबानियों ने किस हद तक दानिश के शव के साथ बर्बरता की। अफगानिस्तान कमांडर ने बताया कि तालिबानियों ने उनके शव के साथ इसलिए बर्बरता की क्योंकि दानिश भारतीय थे और तालिबानी भारत से नफरत करते हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर मोदी जी आज सो नहीं पाएंगे, इसलिए आप भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए। किस दिन काम आएंगे हमारे सभी हथियार। दनिश सिद्दीकी की 16 जुलाई को मौत हो गई थी। अब तक उनकी मौत को लेकर बताया जा रहा था कि अफगान सेना और तालिबान के बीच झप्पर में मारे गए थे। पाकिस्तान से लगे स्पिन बोल्डक शहर के बाजार पर अफगान सेना ने जब दोबारा अपना नियंत्रण करने की कोशिश की तो तालिबान से उसकी मुठभेड़ हुई और एक अफगान अधिकारी के साथ दनिश सिद्दीकी की मौत हो गई। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो डरा देने वाली है। बिलाल अहमद पिछले 5 सालों से अफगान सेना से जुड़े और सभी कमांडर की पोस्ट पर तैनात है। उन्होंने बताया कि तालिबानियों ने पहले दनिश सिद्दीकी को गोली मारी जिससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद जैसे ही तालिबानियों को पता चला कि वो भारतीय है तो उन्होंने उसके सिर पर गाड़ी चला दी, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन तालिबान भारत और भारतीयों से नफरत करता है, इसलिए उसने दनिश के शव के साथ इतनी बर्बरता की। अफगान सेना के कमांडर के इस खुलासे के बाद पता चलता है कि तालिबान किस हद तक भारत से नफरत करता है और इसका फायदा पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI उठा रही है। पाकिस्तान तालिबानियों के सहारे अफगानिस्तान में भारतीय संपत्तियों को टारगेट कर रहा है, उन्हें बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, ये सब सुनकर आप मोदी जी से क्या डिमांड करेंगे हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस वक्त पाकिस्तान तालिबानियों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है और इसी कारण सबसे पहला आक्रमण पाकिस्तान पर होना बेहद जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और राष्ट्रहित से जुड़े वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।